इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं शारजा रमदन T10 लीग के आज के दिन के दोस्तों दूसरे मुकाबले की सीरीज़ का। दोस्तों ये 20वां मुकाबला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम KZLS वर्सेस टीम TVS के बीच में। तो वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा किस मुकाबले में मेरी स्मॉल लीग की टीम में कौन से प्लेयर्स रहेंगे, कौन से प्लेयर्स आपको अपनी ग्रे लीग की टीम में पिक करके चलने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको करके चल सकते हो। तो ओवरऑल आपको वीडियो में इसमें से रिलेटेड सारी ही जानकारियाँ पता चलेंगी, बस आपको दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी के समय दोस्तों ऑलमोस्ट 15,900 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाएँ, फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई यहाँ पे जो ये दोनों ही टीम्स हैं, इन दोनों टीम्स ने अपने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों टीम KZ की, तो टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम दो मैच खेली है, एक मैच जीती है, एक मैच हारी है। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टीम TVS की, तो इनकी टीम टूर्नामेंट के अंदर अपना अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेली है और अपना पहला मैच जीत कर भी आई है। तो देखा जाए KZ ने दो मैचेस का एक्सपीरियंस है और TVS के पास एक मैच का एक्सपीरियंस है, तो ओवरऑल टीम दोनों ही मुझे स्ट्रांग लग रही है। तो बात करते हैं भाई कीपिंग की। पहला नाम KZ की ओर से निकल के आता है गुरबाज का। गुरबाज की अगर मैं बात करूँ तो भाई 93% लोग लेके जा रहे हैं। रीज़न क्या है इनको पिक करने का, आपको ओपन तो करके देते ही देते हैं, साथ में आपको विकेट कीपिंग भी करके देंगे। लास्ट मैच में भले ही एक रन बनाया हो लेकिन इससे जो पिछला मैच था वहां पे इन्होंने अच्छा स्कोरिंग किया, तो मैं यहां से इनको ट्राई करूंगा। दूसरा नाम निकल के आता है अरशद का। अरशद की बात की जाए तो प्लेयर ठीक ठाक है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है ना, बैटिंग ऑर्डर जो है वो भाई काफी ज्यादा नीचे। अपनी टीम के लिए कीपिंग जरूर करते हैं पर बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे करते हैं। KSAKI में बात करूँ बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, आपने इनको खेलते हुए देखा होगा। नंबर 3 पर आपको दोस्तों बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। लास्ट मैच में 15 रन अपनी टीम के लिए बनाए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है दोस्तों। तो मैं यहाँ से दोस्तों अभी के लिए 2 विकेट कीपर पिक करूँगा। बाकी नीचे से और कोई भी विकेट कीपर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कीपिंग सेक्शन से मैं यहाँ पे 2 विकेट कीपर के साथ जाऊँगा। बैटिंग की बात करते हैं, पहला नाम निकल के आता है नदीम का। नदीम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो टीम TVS की ओर से आते हैं। नदीम ने मेरे भाई लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए नंबर 3 पर बैटिंग की और अपनी टीम के लिए 35 रन इन्होंने बनाए। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी गेंदबाजी की, तो इन्होंने अपनी टीम के लिए गेंदबाजी तो लास्ट मैच में नहीं की थी लेकिन बल्ले से 35 रन ज़रूर बनाए। ए गुल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इनका जो परफॉर्मेंस है ए गुल का, नंबर 5 के आसपास आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। लास्ट मैच में देखा जाए तो भाई 19 रन अपनी टीम के लिए बनाए हैं। बाकी अगर मैं बात करूं कि आपको गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं, तो लास्ट मैच में गेंदबाजी से भी 1 विकेट निकाला है, तो इंपॉर्टेंट है, पिक करना ज़रूरी है। एंड फराज की बात की जाए 64% लोग लेके जा रहे हैं। बल्लेबाजी से आपको अच्छा करके दे सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है। लास्ट मैच में 16 रन बनाए हैं, लेके जाना चाहो तो जा सकते हो। खालिक की मैं बात करूँ तो खालिक भी देखो बैटिंग आपको करके देंगे, ठीक है, बॉलिंग नहीं करके देंगे। खालिक नंबर 4 पर बैटिंग करके दे रहे हैं, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। लास्ट मैच में तो भाई 8 ही रन बनाए थे लेकिन जो उससे पिछला मैच था वहाँ पर इन्होंने 66 रन बनाए, तो उसी को देखते हुए मैं पिक करूँगा। अली अभी देखो एक कमाल का प्लेयर है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट मैच में देखा जाए तो सिर्फ बैटिंग की और बैटिंग से इन्होंने 22 रन बनाए हुए हैं अली अभी ने, ठीक है। चाहो तो पिक कर सकते हो किसी भी एक बैट्समैन की जगह पर। बाकी अभी के लिए मैं जो 3 मेन बैट्समैन पिक करूँगा वो यहाँ से नदीम, गुल और खालिक रहने वाले हैं। ऑलराउंडर बात करते हैं, नाम निकल के आता है एस अजीज का। एस अजीज की बात करूं तो भाई बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे ही रहता है, लेकिन अगर मैं बात करूं बॉलिंग की तो बॉलिंग से इन्होंने 2 विकेट लास्ट मैच में निकाले हैं, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेंगे। लतीफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लतीफ भी बैटिंग देखो नीचे ही करते हैं, लेकिन इनका भी जो मेन पॉइंट है ना वो बॉलिंग ही है, तो इनको लेते हैं। ए अब्दुल मतीन की अगर मैं बात करूं तो अब्दुल, देखा जाए तो यहाँ पे इनका एक नेम चेक कर लेता हूँ, अब्दुल्ला लाला 3 विकेट निकाले हैं लास्ट मैच में, इंपॉर्टेंट है। शाकिब महमूद भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं, 26% लोग लेके जा रहे हैं। शाकिब महमूद लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग जरूर किए पर विकेट नहीं मिला है, पर विकेट टेकर प्लेयर हैं, अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं, साथ में आपको ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं, कैप्टन करके चल सकते हो, बल्ले से 19 रन भी बनाए हुए हैं, तो ठीक ठाक प्लेयर है, बैटिंग भी करके देगा बॉलिंग भी करके देगा, इंपॉर्टेंट है, आप लेके जाओगे। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ नाम आता है यहाँ पे दोस्तों रोहित का।
रोहित की बात की जाए तो लास्ट मैच में बॉलिंग की हुई है, हालांकि विकेट नहीं मिला है, बट ठीक ठाक बॉलिंग कर सकते हैं। मलूक ने अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट निकाला है। बाकी यहाँ पर एक प्लेयर निकल के आता है अफगान, अफगान भी ठीक ठाक खिलाड़ी है। अगर आप अफगान को लेना चाहते हो तो किसी एक विकेट कीपर को ड्रॉप करो, यहाँ से आके आप अफगान को ट्राई कर लो, क्योंकि अफगान भी एक अच्छे बॉलर हैं। एक्सपीरियंस तो इतना मैं बोलूँगा नहीं, न्यूली प्लेयर है, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट मैच में दो ओवर की बॉलिंग की, 7 रन दिए और एक विकेट अपनी टीम के लिए निकाला, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, मैं लेके जाने वाला हूँ। तो हमारी जो टीम है दोस्तों यहाँ पर रेडी हो चुकी है। 6 खिलाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे टीम केजेड के लिए, क्योंकि इनकी टीम 2 मैचेस खेली हुई है तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस विकेट पे। और 5 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे टीम टीवीएस के लिए। बात करूँ अगर यहाँ पर मैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको करके चल सकता हूँ, तो कैप्टन आप अमजद गुल को कर सकते हो, जो कि बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में देखा जाए विकेट निकाला है, प्लस अच्छा कर सकते हैं, पर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे। मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिस्क लेके जाने वाला हूँ। मेरे कैप्टन यहाँ पे रहने वाले हैं एस महमूद, और वाइस कैप्टन मेरे रहने वाले हैं यहाँ पे अमजद गुल। बाकी आप अपने हिसाब से भी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रख सकते हो। तो मेरी जो टीम है रेडी है, इसको सेव करते हैं और एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सेम टीम के साथ स्मॉल लीग ज्वाइन करूँगा, सेम टीम के साथ ग्रैंड लीग ज्वाइन करूँगा, तो एक बार आप इस टीम का प्रीव्यू ले लीजिए। बाकी अगर हमारी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करेगा आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूँगा, वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के समय दोस्तों ऑलमोस्ट 15,900 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाए। फाइनल अपडेट, फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा लेना आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।